सब्सक्राइब करिए सिंपल स्टाइल टिप्स को और घंटी को जरूर दबाइए जिससे कि आप पा सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक क्विक एंड इजी हेयर स्टाइल लाई हूँ जिसे आप कहते हैं फ्रेंच जूड़ा या फिर आप इसको कई नाम से जानते हैं, जैसे कि फ्रेंच रोल, फ्रेंच ट्विस्ट, फ्रेंच बन। तो इसको आप किसी भी लेंथ के बालों में बना सकते हैं, यानी छोटे बालों में भी बन जाता है ये और बड़े बालों में भी बन जाता है। इस हेयर स्टाइल को आप इजीली बना सकते हैं, चाहे आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, ओकेजन में जा रहे हैं, तो गर्मी में इस तरह के हेयर स्टाइल ज्यादा अच्छे लगते हैं, ना कि आप बाल खोल के जाएं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आप इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से कोम कर लें, यानी सुलझा लें, और उसके बाद आपको अपने एक हैंड में सारे बालों को लेना है, जैसे आप पोनी टेल बनाते हैं उस तरह से। तो सारे बालों को पोनी टेल की तरह आप इस तरह से एक जगह ले लेंगे। उसके बाद आपको इस तरह से दूसरा हैंड इस तरह नीचे लगाना है पोनी टेल के यहाँ पर, और इस साइड से आपको इस तरह अपने बालों को ऊपर की तरफ ट्विस्ट करना है, यानी कि मोड़ना है, और ऊपर करने के बाद आप अपने बालों को रोल करते जाएंगे जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह से आप अपने बालों को ऊपर की तरफ रोल करते जाएं, और फिर जो ऊपर के बचे हुए बाल हैं उनको भी फोल्ड करके इसी बन में अंदर की तरफ आप इसको कर देंगे। इस तरह से रोल करें, और रोल करने के बाद जो बाकी बचे हुए बाल हैं उनको इसी बन के अंदर आपको ले जाना है इस तरह से, और उसके बाद इसे पूरी तरह अंदर कर लीजिए। और बस अब आपका ये बन बन चुका है। अब इसके बाद हम इसमें पिन लगाएंगे जिससे कि इसको अच्छी तरह से सिक्योर कर सके, ये आसानी से खुल ना जाए। तो आप इसको पिन लगाइए, और यहाँ पे आप जूड़ा पिन की जगह बॉबी पिन का यूज करें, जो छोटी वाली क्लिप आती है, तो उसको इस तरह से आप लगाएं तो आपका ये बन ज्यादा देर तक रुका रहेगा। पिन से सिक्योर करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि बन अभी भी लूज है या हिल रहा है, तो आप जूड़ा पिन भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने जूड़े में यानी बन के अंदर सारे बालों को ले जाकर इस तरह से पिन कर देना है, और बस आपका ये फ्रेंच रोल बन जाएगा। आप चाहे तो इसको डेली बेसिस पे भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी है, साथ ही थोड़ा स्टाइलिश भी लगता है। और अगर आप पार्टी में जा रहे हैं तो आप इसको थोड़ा डेकोरेट कर लें तो और अच्छा लगता है। मार्केट में बहुत तरह की हेयर क्लिप्स मिलती हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर, आप अपनी पसंद की लाके इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिल्वर कलर की छोटी छोटी क्लिप्स लाई हूँ, तो वो आसानी से मिल जाती है, बहुत ही सस्ती मिलती है, 10 रुपीज की पर पीस में मुझे मिली थी। तो आप भी इसको लाके इस तरह से अपने बालों को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, तो पार्टी में जाने पे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो पिनिंग करने के बाद आप थोड़ा सेट कर लें अपने बन को, जिससे टेढ़ा हो तो उसको सीधा कर लें, और बाल इधर उधर जा रहे हो तो उसको भी सेट करें। और इसके बाद बस मैं यहाँ पर जो मैं हेयर क्लिप लाई थी, जो हेयर पिन, वो मैं इसमें लगा लूंगी फ्लावर की, जिससे कि ये और ज्यादा अच्छा लगे। तो पार्टी में आप जब जाएं तो इसको डेकोरेट करके जाएं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों आपको फ्रेंच बन बनाना आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपका ये फ्रेंच रोल, फ्रेंच बन, या जो आप बोलते हैं इसको फ्रेंच जूड़ा, बन के तैयार है। इस तरह से इसको डेकोरेट करें और ये काफी अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा ये हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा व्हाट्सएप और फेसबुक पे, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप फॉलो नहीं कर रहे जल्दी से वहाँ फॉलो करें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सके। मैं फिर से एक अच्छी सी वीडियो के साथ आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।